नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हाथरस के थाना सासनी में एक शातिर महिला गांजा सहित गिरफ्तार। जनपद हाथरस आज पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सासनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए एक छात्र महिला राधा को पिंकी फैक्ट्री से ग्राम बरसे की तरफ जाने वाले रास्ते से नशीला पदार्थ गांजा सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1 किलो 554 ग्राम गांजा बरामद हुआ। नाम बपता छात्र महिला गांजा सहित गिरफ्तार। राधा पत्नी आशु निवासी ग्राम बरसे थाना सासनी जनपद हाथरस। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम प्रभारी निरीक्षक श्याम सिंह, मैं टीम थाना सासनी जनपद हाथरस। आइए जानते हैं क्षेत्राधिकारी ने क्या कहा। हाथरस से जिला संवाददाता पवन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सासनी पुलिस द्वारा आज एक महिला अभियुक्ता राधा पत्नी आशु निवासनी गाँव बरसे को अवैध तरीके से 5.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।